हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गेटिंग टू नो प्लांट्स। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये डिस्कस करेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम स्टेम, रूट, शूट और लीफ के बारे में। कल जो हमारे टॉपिक हुए थे वो थे टाइप ऑफ प्लांट, कौन से टाइप के प्लांट होते हैं, हर्ब, सर्ब, ट्री, क्रिम्बर्स और क्रीपर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दिखाया गया है ट्री का डायग्राम। तो ट्री में हमें पता है यहाँ पर रूट प्रेजेंट होती हैं, यहाँ शूट होता है, देन लीव्स होता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट। जो स्टेम है पार्ट ऑफ प्लांट होता है। किस चीज़ को सपोर्ट करता है वो? लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट को। जो स्टेम है किस चीज, स्टेम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूड। जो स्टेम है ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंचाने का काम करता है फ्लूड को, रूट टू अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट मतलब रूट से ऊपर लीव्स तक खाना या मिनरल फूड या मिनरल को पहुँचाने का काम करता है। दिस मोमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन। जो मोमेंट ऑफ वाटर है, अगर जड़ों से पत्तों तक पानी जाएगा तो उस मोमेंट किसके द्वारा होती है? वो एक नैरो ट्यूब प्रेजेंट होती है स्टेम में। उस नैरो ट्यूब को क्या बोलते हैं? जाइलम। तो उसकी वजह से पानी और मिनरल है वो ऊपर पत्तों तक पहुँच पाता है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ एंड स्टेम टुगेदर फॉर्म द सूट। सूट के सूट कौन कौन से पार्ट से मिलके बना होता है? लीव्स और स्टेम से मिलके बना होता है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम, पेटियोल। अब पेटियोल क्या होता है? पेटियोल होता है ये पार्ट, जो ये पत्ते का पार्ट होता है ये स्टेम से अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड लेमिला। ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है स्मॉल लाइंस प्रेजेंट ऑन ए लीफ। जो स्मॉल लाइंस प्रेजेंट होती है लीफ में, दिखाई दे रही है हमें छोटे छोटे लाइंस यहाँ पे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये सपोर्ट देती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर और मिनरल का पूरे लीफ में, कंप्लीट लीफ में। ए थिक वेन प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द लीफ। एक थिक वेन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये बीच में बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? मिडरिप बोलते हैं। नेक्स्ट है हम करते हैं लीफ वेनेशन के बारे में। दिस द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ। जो लीफ होता है इसमें वेन्स का जो भी ऐसे बना होता है डिज़ाइन, इनको वेन्स बोलते हैं। और जो इनका डिज़ाइन होता है उनको क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन। तो ये अलग अलग तरह का होता है, दो तरह का होता है, रेक्टिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो हम पढ़ते हैं दोनों के बारे में। इफ द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिप। अगर नेट लाइक है, इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, ये जैसे दिखाया गया है, ये रेक्टिकुलेट वेनेशन दिखाई गई है। जैसे ये पत्ता है, इसमें क्या है? नेट लाइक है, इससे भी निकली हुई है, मेन से निकली हुई है, मतलब नेट लाइक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो इसके एग्जाम्पल है कोरिएंडर, रोज, ओक एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेलल वेनेशन के बारे में। इफ डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इज पैरेलल टू वन अनदर। अगर पैरेलल हो वन अनदर के, ये लीफ हो गया, हम लीफ का डायग्राम बनाते हैं ऐसे, अगर ये पैरेलल हो ऐसे वेन्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। जैसे ग्रास में होता है, वीट में होता है और मेज में होता है। ये हमारे लीफ वेनेशन के टाइप हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन, हम अलग से करेंगे पूरा कंप्लीट अच्छे से टॉपिक करेंगे। पहले हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में जो है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रूट। प्लांट ऑर्गन विच लाइट बिलो द सोयल सरफेस इज कॉल्ड रूट। क्या होता है? ऐसा प्लांट ऑर्गन जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रूट। रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फ्रीमली इन सोयल। इसका क्या काम क्या होता है? होल्ड करता है प्लांट को सोयल में अच्छी तरह से, रूट्स को। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सोयल। एंकर भी बोलते हैं इनको, रूट्स को। द रूट ऑब्जर्व मिनरल। क्या काम होता है? रूट मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है सोयल से, जो उन प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं। प्लांट्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तीन टाइप के रूट सिस्टम होते हैं, टैब रूट, फाइब्रस और एडवेंटिशियस। तो इसमें डायग्राम में तीनों टाइप के दिखा रखे हैं। पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, डन डायग्राम देख के पढ़ेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टैप रूट होता है द मेन रूट विच इज़ लार्जर। जो मेन रूट होती है वो लार्जर होती है और फर्स्ट ग्रोइंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। फिर जो उसमें छोटी छोटी रूट्स प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स। तो अब डायग्राम में दिखाते हैं कौन कौन सी होती हैं। ये जैसे दिखाया गया टैप रूट सिस्टम, इसमें क्या है? एक तो ये जो मोटी सी दिखाई दे रहा है बीच में, ये तो मेन रूट सिस्टम होता है, और ये जो साइड में छोटी छोटी दिखाई देती है इनको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट सिस्टम। तो ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं? टैप रूट।
नेक्स्ट हमारा टाइप है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। बीटरूट, कैरेट, सुगर, रेडिश, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें दिखाया गया है कि मोटी ये तो मेन रूट है, और जो धागे से दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको लेटरल रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइबरस रूट। नो मेन रूट्स, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, और जो रूट्स होती हैं वो सारी सेम साइज़ की होती हैं। इसमें डायग्राम में दिखाया गया जैसे ये रहा, सारी सेम साइज़ की है और कोई भी मेन रूट नहीं है इसमें। एग्जांपल क्या क्या है इसके, कोकोनट प्लम, ओनियन, ग्रास, स्प्रिंग ओनियन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है एडवेंटिशियस रूट। इसमें क्या होता है, ये ऐसी रूट होती है किसी भी प्लांट के पार्ट से बन जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इसमें क्या है, नोट है इसमें एक याद रखने की चीज़ है, जिस प्लांट में रेक्टिकुलेट वेनेशन होगी वो टैप रूट होगी, और जिस रूट में फाइब्रस रूट होगी वो क्या, उसमें कौन सी वेनेशन होगी, पैरेलल वेनेशन होगी लीव्स में, तो ध्यान रखने की चीज़ है। नेक्स्ट है, इसमें दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम को देखकर। इसमें क्या होता है, तीनों दिखाई गई हैं टैप रूट हैं, एक तो इसमें मेन रूट होती हैं और लेटरल रूट्स होती हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, इसमें सारी रूट्स हैं जो सेम साइज़ की होती हैं। इसमें क्या है, किसी भी प्लांट से बन जाती है रूट, किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से बन जाएगी रूट रेडिकल को छोड़ के, उसको एडवेंटेजियस रूट बोलते हैं। तीनों टाइप ऑफ रूट सिस्टम हो गए हैं। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।